भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि राज्य में और पूरे देश में कोरोना जैसी भयानक बीमारी आज बहुत ही भयंकर रूप लेते जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस बीमारी से हम सबको बचने के लिए, बचाने के लिए बहुत सारी उपाय योजनाएं उन्होंने घोषित की है। खास करके लॉकडाउन करने का फैसला 3 हफ्ते का सरकार ने किया है। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब खुद को, अपने परिवार को, अपने पास पड़ोस में रहने वाले लोगों को, अपने शहर के लोगों को, देश के लोगों को पूरी तरह से इस बीमारी के से बचने के लिए मजबूती से हम लोग कदम उठाएं। जो जो उपाय योजना सरकारें सुझा रही हैं और हम सबको आह्वान कर रही हैं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि उसको मजबूती से हम अपने अपने क्षेत्र में और सबसे पहले खुद पे उसको हम मजबूती से लागू करें। आज मैं उसी तरह से महाराष्ट्र की सरकार से भी कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी भयानक बीमारी से, महामारी वाली बीमारी से, कोरोना जैसी बीमारी से बचाने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। लोगों को खुद को घर में रहने का कड़ाई से निर्देश दिया गया है, लोग उसका पालन भी कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं बॉम्बे पुलिस का, बॉम्बे में रहने वाले सभी डॉक्टरों का, नर्सों का, महानगर पालिका में काम करने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारियों का, जो वार फुटिंग पर रात दिन लोगों को बचाने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूं, उनको सलाम करता हूं। लेकिन साथ साथ मैं महाराष्ट्र की सरकार से ये कहना भी चाहता हूं कि आप समय समय पर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कदम उठा रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, लोग महाराष्ट्र में उसको अमल भी कर रहे हैं, लागू भी कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जीवन आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करना भी हमारी जिम्मेदारी है, खास करके सरकार की जिम्मेदारी है। आज रोजमर्रा की तकलीफों से बचने के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने की जरूरत है। हमें लगता है कि जो रोज डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग हों, चाहे वो रिक्शा ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, मजदूर हो, कारपेंटर हो, घर काम करने वाले घरेलू कामगार हो, इन सबको सरकार को कहीं ना कहीं मदद करने की जरूरत है। सबसे पहले सरकार को चाहिए कि डोर स्टेप भीड़ ना लगाते हुए घरों में लोगों को कुछ अनाज पहुंचाए, 15-20 किलो अनाज, जिसमें गेहूं भी हो, चावल भी हो, दाल भी हो, ऐसे अनाज डोर स्टेप घर पहुंचा के, घर पहुंच जो योजना जैसे सरकार पहले चलाती थी पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए, उस तरह से खास करके झोपड़पट्टियों में, चालियों में रहने वाले लोगों को इस तरह से अनाज पहुंचा के मदद करने की एक योजना जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए, ताकि लोगों को बचाया जा सके, लोगों को खाने पीने की राहत दी जा सके अनाज पहुंचाकर। दूसरी तरफ काम धंधा सबके बंद हैं, इनकम खत्म हो गई है, गरीब मजदूर, जैसे मैंने कहा कि टैक्सी चलाने वाले लोग, रिक्शा चलाने वाले लोग, डेली वेजेस पे अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उन सबको कहीं ना कहीं थोड़ी आर्थिक मदद भी करने की आवश्यकता है। उसके लिए अगर चाहिए तो सरकार एक कदम उठाए कि जो आर्थिक तौर पर हमारे मुंबई शहर में मजबूत लोग हैं, फाइनेंशियली अच्छे मजबूती के साथ रहने वाले लोग हैं, जो कारोबार करने वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे क्राउड फंडिंग के जरिए मुख्यमंत्री राहत कोष में अच्छा खासा धन जमा करें और सरकार अपने पास से भी उसमें कुछ मिलाकर एक आर्थिक पैकेज डिक्लेयर करे, जो इन मजदूरों को
दो चार हजार रुपए, कम से कम दो चार हजार रुपए उनको पहुंचाया जा सके मजदूरों को, ताकि रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में जो उनको कठिनाइयां आ रही हैं उससे उनको बचाया जा सके। मैं दूसरी तरफ आज सब्जी मार्केट खोलने का निर्णय, अति आवश्यक वस्तु जो है उसको, जीवन आवश्यक वस्तु जो है उसको शुरू करने की सरकार ने घोषणा जरूर की है, लेकिन सब्जी मंडियों में आप देखें तो सब्जियों का भाव रोज बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं उस पर भी रोक लगाने की जरूरत है। आज लोगों को घर बैठे जो गैस का सिलेंडर मिलता था, वो सिलेंडर कहीं ना कहीं लोगों को नहीं मिल रहा है, इसलिए घर में लोग खाना भी नहीं पका पा रहे हैं, ऐसी भी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। विशेष तौर पर झुपड़पट्टियों में, झुग्गी बस्तियों में, चालियों में रहने वाले जो लोग हैं उनको इसकी बड़ी तकलीफ हो रही है। तो हमारी मांग है कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार इसके ऊपर फौरन कड़ा कदम उठाते हुए एक अच्छा निर्णय ले, लोगों को स्टेप डोर पर पहुंचाकर घर पहुंच योजना एक बनाकर लोगों को घर घर अनाज पहुंचाने की एक स्कीम शुरू करना चाहिए। और जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, रोज काम करके खाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को आर्थिक पैकेज भी सहायता देने की का निर्णय महाराष्ट्र की सरकार ने फौरन उठाना चाहिए, ताकि इस भयानक कोरोना जैसी बीमारी से लड़ी जाने वाली लड़ाई में लोगों को अपने जीवन आवश्यक चीज़ों से महरूम ना होना पड़े, उससे उनको दूर ना रहना पड़े, तकलीफ ना उठाना पड़े, ये कहना चाहता हूँ। और उसी के साथ साथ मैं सभी अपने नौजवान साथियों से, खास कर अपनी माँ और बहनों से, बुजुर्गों से, भाइयों से, सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके जिस तरह से राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है इस महामारी, इस भयानक बीमारी से बचाने के लिए उपाय योजना सरकार ने घोषित की है कि आप घर से बाहर ना निकलें, भीड़ में ना जाएं, बहुत जरूरी हो, बहुत ही अगर जरूरी हो जीवन आवश्यक वस्तु लेने के लिए तो ही निकलें, और लोगों से उसके साथ साथ दूरी बनाए रखें, लोगों के बीच में एक दूसरे के साथ डिस्टेंस बनाएं। सोशल डिस्टेंसिंग जो नाम दिया गया है वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का काम सभी पूरे देश के लोगों को हमें मिलजुल कर करना है, ताकि इस भयानक महामारी वाली जो कोरोना जैसी बीमारी है उससे हम लड़ सकें और कामयाब हो सकें। हम सब ने, भारत के रहने वाले सभी लोगों ने हमेशा जब भी इस तरह की कोई बात आई है एकजुटता का परिचय दिया है और उसको कड़ाई से लागू करके जीत हासिल की है। हमें विश्वास है कि कोरोना जैसी भयानक बीमारी से हम लोग बेखौफ होकर लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद।